जो 10% के शोषक समाज के लोग हैं उनके लिए कहा था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता, बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती है और कुत्ता कभी मांस का रक्षक नहीं हो सकता है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनके दिल में जो 10% वाले लोग हैं, जो कल भी हमारे लिए उतना ही नफरत था और आज भी हमारे 90% के लोगों के लिए उतना ही नफरत है, वही 10% के लोगों ने, वही मनुवादी और समंतवादी ने अमर शहीद जगदेव प्रसाद की हत्या किया। किसी भी बहुजनों के संगठन में अगर मनुवादी और समंतवादी को शामिल करते हैं तो वो संगठन आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। हम आपको बता दें कि आज जगदेव बाबू का शहादत दिवस है और इस मौके पर आरजेडी कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में लोग आए, लोगों का एक तरह से कहें कि जनसैलाब आया। हमारे साथ फतेह बहादुर हैं, विधायक हैं, आरजेडी के बड़े चेहरे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। आज जगदेव बाबू को आप लोगों ने याद किया, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हम लोग जगदेव बाबू के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और जगदेव बाबू ने हमारे लिए जो संदेश दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन आज भी 10 का शासन 90 पर चल रहा है। इसका कारण क्या है? उस संदेश को हम लोग 90% के लोगों को दे रहे हैं कि जगदेव बाबू ने हमारे लिए नारा दिया था लेकिन एक संदेश भी दिया था, जो 10% के शोषक समाज के लोग हैं उनके लिए कहा था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता, बिल्ली कभी दूध की रखवाली नहीं कर सकती है और कुत्ता कभी मांस का रक्षक नहीं हो सकता है। जब तक 90% के लोग उस सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे, उनके रास्ते पर चलने का काम नहीं करेंगे, तब तक जगदेव बाबू का सपना पूरा नहीं होगा। तो हम लोगों ने इस आयोजन किया है जगदेव बाबू के शहादत दिवस पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए कि हम 90% के लोग जगदेव बाबू के उस सिद्धांत को अपनाएंगे और उनके रास्ते पर चलकर 90% के लोगों को 90% का हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आप देख लीजिए, उनके दिल में जो 10% वाले लोग हैं, जो कल भी हमारे लिए उतना ही नफरत था और आज भी हमारे 90% के लोगों के लिए उतना ही नफरत है। आप देख लीजिए, 74 में जगदेव बाबू का हत्या करने वाला लोग कौन था? और कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनको, और जब उन्होंने आरक्षण दिया तो उनको गाली देने वाला और बिहार का सरकार गिराने वाला लोग कौन था? और जब 90 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बने और केंद्र से मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ, OBC के लिए आरक्षण मिला, तो उस आरक्षण का विरोध करने वाले लोग कौन थे? उसके बाद अभी भी जो अभी बिहार में जो आरक्षण, मतलब कि जो OBC SC ST के आरक्षण को 50% से 65% किया गया, उस आरक्षण के विरोध हाई कोर्ट जाने वाला लोग कौन था? बिल्कुल सुन लीजिए, वही लोग हैं जो 180 वर्ष ईसा पूर्व यानी 2204 वर्ष पहले जो मौर्य वंश का लास्ट शासक राजा बृहदत्त का इसी पाटलिपुत्र के धरती पर यही अशोका मैदान में हत्या किया, वही समाज, वही 10% के लोगों ने, वही मनुवादी और समंतवादी ने अमर शहीद जगदेव प्रसाद का हत्या किया, वही मनुवादी और समंतवादी ने जब सावित्री बाई फूले ने जब बच्चियों को पढ़ाने का निर्णय लिया तो गोबर और पत्थर, उन पर पत्थर फेंकने का काम किया, वही लोग जब 90 में हमें आरक्षण मिला तो उस आरक्षण के विरोध में दिल्ली सरकार गिरा दिया और दिल्ली से कमंडल लेकर चला, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस कमंडल के रथ को बिहार में रोककर आडवाणी जी को जेल भेजने का काम किया और उसी लड़ाई को आज तेजस्वी यादव जी ने अपने हाथ में ले लिया है और यहाँ बहुजनों के लिए आरक्षण 50% से बढ़ा करके 65% किया। इस आरक्षण के खिलाफ भी कोर्ट जाने वाले लोग वही मनुवादी लोग हैं और
उस आरक्षण को रद्द करने वाले वही लोग हैं। आज चाहे आज से 2000 साल पहले का ले लीजिए और आज तक उनके दिल में हम 90% के लोगों के लिए नफरत भरा हुआ है। लेकिन फतेह बहादुर जी, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से आप 90% और 10% की बात कर रहे हैं, तो ये जो 10% है वो बहुत ज़्यादा यूनाइट है, आप लोग टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं? वही यूनाइट करने के लिए, उसी जगदेव बाबू के विचारधारा को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने इस सभा को आयोजित करने का काम किया है। और आप देख लीजिए ना, पूरे देश में जो 24 में चुनाव हुआ, 90% के लोगों ने अपना ताकत दिखाया और मोदी का 400 पार के नारा को 240 में सिमटा दिया। नतीजा हुआ कि देश का बहुजन समाज जीता, संविधान जीता और मनुस्मृति हारा, और पहले ही दिन संसद में भारत के प्रधानमंत्री मजबूर हो गए संविधान के सामने झुकने का। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके जो कर्ता धरता हैं यानी सुप्रीमो हैं, वो उसी मनोवादियों के हाथों में खेलते हैं। जैसे आपके यहाँ आपके नेता के बारे में आरोप लगता है कि मनोज झा जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, नीतीश कुमार के यहाँ जो है संजय झा, विजय चौधरी जैसे नेताओं का, ललन सिंह जैसे नेताओं का चलता है, पिछड़ा समाज के लोग तो कुछ बात ही नहीं रख पाते। मैं मनुवादी और समाजवादी, मनुवादी और समांतवादी विचारधारा का बात कर रहा हूँ। मैं भी विचारधारा की ही बात कर रहा हूँ, मनुस्मृति और संविधान का बात कर रहा हूँ। ये लड़ाई जो है, जगदेव बाबू ने जो लड़ाई छेड़ा था, शोषित और शोषक, यानी 90 और 10, संविधान और मनुस्मृति के बीच, और आज भी लड़ाई वही है हमारी। और ज्योतिबा राव फूले ने उस समय एक संदेश दिया था 1850 में, जब उन्होंने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था, तो हम शूद्रों के लिए, हम बहुजन समाज के लोगों के लिए संदेश दिया था, किसी भी बहुजनों के संगठन में अगर मनुवादी और समांतवादी को शामिल करते हैं तो वो संगठन आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाएगा। किसी भी शूद्र समाज और 90% के लोग यानी बहुजन समाज के संगठनों में मनुवादी और समांतवादी को उस संगठन में शामिल नहीं करना लेकिन चाहिए। जहां मनुवादियों का चलता है वहां शूद्रों को कैसे फैसला मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा, इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो अपने पूर्वजों को संदेश को अपनाना पड़ेगा, जो हमारे लिए संदेश उन्होंने दिया है वो स्पष्ट कर दिया है कि मनुवादी कौन है, समांतवादी कौन है और अम्बेडकरवादी कौन है, और जगदेव बाबू के 90% के लोग। तो सुना है आपने, आरजेडी नेता फतेह बहादुर का जिनका साफ कहना था कि जब तक मनुवादी लोग गो से घिरे रहेंगे नेता, तब तक शूद्रों को न्याय और इंसाफ नहीं मिलेगा। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।